हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़िया गुरुकुल। आज इस ऑटोकैड की क्लास में हम जानने वाले हैं कि हम लोग पॉलीगॉन्स को कैसे ड्रॉ करते हैं अपने ऑटोकैड के ऊपर। तो चलिए बिना देरी के अपने अच्छी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस आपसे कभी मिस ना हो। तो जैसा कि भी आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं ऑटोकैड के ऊपर हूँ और यहाँ पर आपको पॉलीगॉन को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे होम टैब के अंदर जब ड्रॉ सेक्शन में आते हैं तो आपको यहाँ पे कहीं भी पॉलीगॉन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। ये पॉलीगॉन का ऑप्शन आपको यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर दिया गया है। यहाँ देखिए पॉलीगॉन, आप पॉलीगॉन को यूज कब करते हैं? जब आपको ट्रायंगल, रेक्टेंगल या फिर आपको जब स्क्वायर बनाने होते हैं तब आप इसे पॉलीगॉन का यूज यहाँ पे कर सकते हो। इसमें से आप तीन साइड से लेकर आप 129 साइड तक यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। यहाँ पे मैंने अभी पॉलीगॉन का सिलेक्ट कर लिया है। मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है पॉलीगॉन में देख सकते हैं आप, प्लीज एंटर नंबर ऑफ साइड। आप इसमें नंबर ऑफ साइड्स को डालिए। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं पॉलीगॉन में 6। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपको एक सेंटर स्पेसिफाई करना है, तो चलिए हम सेंटर को एक स्पेसिफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपसे दो ऑप्शन पूछ रहे हैं, आपसे भी मुझे पूछ रहे हैं और मुझे यहाँ पे भी एक ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे कि कह रहे हैं इनस्क्राइब इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। तो अब ये इस ऑप्शन के बारे में मैं ज़्यादा तो बात नहीं करूँगा, मैं सिंपली फर्स्ट ऑप्शन को रहने देता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया, अब मुझे ये देखिए आप यहाँ पे मुझे ये पॉलीगॉन यहाँ पे ड्रॉ होता हुआ आपको दिख रहा होगा। मैं इसके डिस्टेंस को बिना सेट किए हुए इसे क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा पॉलीगॉन यहाँ पे ड्रॉ हो गया। हमारे जो पॉलीगॉन का शॉर्टकट है वो क्या है, अगर आप उसे कमांड लाइन से एक्सेस करना चाहते हो तो आप इसका शॉर्टकट है POL। POL लिख के जैसे आप एंटर करते हैं अब सिर्फ ये पॉलीगॉन यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। अब आपको नंबर ऑफ साइड डालने हैं, तो मैं यहाँ पे 8 डाल देता हूँ इस बार, एंटर। फिर से अब आपको ये बोल रहा है एक पॉइंट को स्पेसिफाई कीजिए, तो मैं चलिए एक पॉइंट को स्पेसिफाई कर लिया। और अब इस वक्त मैं इस ऑप्शन के ऊपर भी आता हूँ और फिर इस बार मैं एक पॉलीगॉन को ड्रॉ कर देता हूँ। चेंजेस आप कुछ भी नहीं दिखे होंगे, बस इसमें आपको 6 और इसमें आपको ये 8 साइड्स दिख रहे होंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मैंने 10 रेडियस के यहाँ पे 2 सर्कल को ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे ज़रूरत है फिर से पॉलीगॉन को एक्टिव करने की। यहाँ पे सपोज मैं 6 डाल देता हूँ, फिर से एंटर। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आप स्पेसिफाई कीजिए एक सेंटर पॉइंट को, तो चलिए हम एक सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करते हैं। तो जो हमारा सर्कल का जो सेंटर है उसे ही मैं इस बार सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर रहा हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इनस्क्राइब इन सर्कल पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं अब जो हेक्सागोनल है उसका जो डिस्टेंस बनाना चाहता हूँ उसे मैं 10 डाल देता हूँ और एंटर। तो अभी आपने देखा हमारा जो हेक्सागोनल था वो हमारे सर्कल के अंदर ड्रॉ हुआ है। चलिए हम फिर से एक और करते हैं, पॉलीनोमियल को सिलेक्ट किए, मैंने नंबर ऑफ साइड डाल दिया 6। अब आपको सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करना है, तो मैं वापस सर्कल का जो सेंटर है उसे ही स्पेसिफाई कर लूँगा। इस बार मैं सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल में कर रहा हूँ। इस बार जो पॉलीगॉन है उसका मैं साइज फिर से 10 ही रख देता हूँ। जैसे ही मैंने 10 रखा, इस बार क्या हुआ आप ये देख सकते हैं, मैं सर्कल लाइन कमांड को ले लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो ये इसकी दूरी को या फिर ये सेंटर से इसकी दूरी को, ये इसको मेजर कर रहा है। जबकि इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये इस भी सेंटर पॉइंट को यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर रहा है। ये आप देख सकते हैं सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये हमारे कॉर्नर्स को टच कर रहा है, हमारे जो हमारे पॉलीगॉन का जो कॉर्नर है वो सर्कल को टच कर रहा है। जबकि इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो सेंटर है, हमारे जो इस हेक्सागोनल का जो सेंटर है वो सर्कल को टच कर रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे, सपोज आपको केवल एज पता है, आपको ना तो सेंटर पता है और ना ही आपको रेडियस पता है, तो आप क्या करोगे, किस तरह से आप पॉलीगॉन के यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो? आप पॉलीगॉन के ऊपर आओगे, आपको नंबर ऑफ साइड सेलेक्ट करने हैं, मैं इसे 6 कर लेता हूँ।
आपको यहाँ पे एज के ऊपर क्लिक करना है। एज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पहले पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। आपने जैसे ही पहले पॉइंट को स्पेसिफाई किया, अब आपको दूसरा पॉइंट स्पेसिफाई करने से पहले आपको यहाँ पे अपने जो एज है किनारा है उसके साइज को स्पेसिफाई करना है। आप एंटर करो और आपको उसी साइज का यहाँ पे आपको एक पॉलीगॉन ड्रॉ होके मिल जाएगा। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आपको पॉलीगॉन के ऊपर आना है, आपको नंबर ऑफ साइड्स को सिलेक्ट करना है, इसमें मैं 8 कर लेता हूँ, एंटर। अब आपको एज के ऊपर क्लिक करना है, आपको फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है, इसके बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन में आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट को स्पेसिफाई करने से पहले आप अपने साइज, अपने एज के साइज को एंटर कर दो। मैं इसमें 10 कर देता हूँ या मैं 15 कर देता हूँ और एंटर। जैसे ही मैंने 15 एंटर किया, हमारा जो पॉलीगॉन है वो आपको यहाँ पे बनकर मिल गया। तो इस तरह से आप एज की मदद से भी पॉलीगॉन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ, अच्छा क्लास आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।